अगर मैं आपको कहूं मैंने 10,000 का ट्रेड लिया और मुझे 15,000 का लॉस हो गया तो कैसा लगेगा आपको? हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल टॉकिंग स्टॉक्स। जब आप शेयर मार्केट में नए नए आए होते हैं तब आप बाय लो सेल हाई से पैसे कमाते हैं। मतलब किसी शेयर को आपने कम प्राइस पे खरीदा और जब वो शेयर ऊपर चला गया तब आपने बेच के प्रॉफिट कमा लिया। मान लीजिए कोई शेयर 100 रुपये का है और आज आपने खरीदा, 4 दिन बाद वो 120 का हो जाता है, 120 पे आपने उसे सेल कर दिया और 20 रुपीज़ पर शेयर जो था वो आपका प्रॉफिट हो गया। अब मान लीजिए ये शेयर अब 120 पे आप दोबारा खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे लगता है कि ये शेयर अब ओवर प्राइस्ड हो गया है, अब आप यहाँ पे खरीद नहीं सकते क्योंकि यहाँ से डाउन आएगा। अब जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर होगा वो क्या करेगा, वो वेट करेगा, जब शेयर वापस करेक्ट करके उसके प्राइस पे 100 पे आएगा तब उसे बाई करेगा। लेकिन एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेगा यहाँ पे, वो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करेगा। तो चलिए अब मैं आपको शॉर्ट सेलिंग की क्रोनोलॉजी समझाता हूँ। शॉर्ट सेलिंग में होता क्या है, आप किसी भी शेयर को पहले हाई पे सेल करके उसे बाद में जब उसका शेयर प्राइस नीचे आए लो पे तब आप उसे बाई कर लीजिए। मान लीजिए कोई शेयर अभी 150 का है, आपने उसे 150 पे सेल कर दिया, उसके बाद जब वो शेयर नीचे आया 130 पे तब आपने उसे बाय कर लिया और जो 20 रुपीज़ का बाइंग और सेलिंग में डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट हो गया। तब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं मैंने वो पहले बेच कैसे दी? तो इसका जवाब है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी आपको अलाउ करता है आप किसी भी शेयर को पहले बेच सकते हैं उसे बाद में खरीद सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन लगाता है कि आपका जो ऑर्डर है वो MIS में होना चाहिए। MIS क्या होता है उसके लिए मैंने एक पहले से वीडियो बना दी है जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इधर या इधर पता नहीं कहाँ एक आई बटन आता है तो वहाँ भी लिंक डाल दूंगा मैं। तो फिर भी मैं बता देता हूँ क्या होता है MIS। MIS होता है मार्जिन इंटरडे स्क्वायर ऑफ। इसमें क्या होता है कि आपने जैसे आज शेयर लिया कोई, उसे आपको मार्केट क्लोज होने से पहले 315 से पहले ही खुद ही स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो जो आपका ब्रोकर है वो उसे 315 पे स्क्वायर ऑफ कर देगा, जो आपका प्रॉफिट लॉस होगा वो आपको आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। चलिए मान लेते हैं एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसे कंप्लीट एक्सप्लेन करता हूँ। आपने कोई शेयर लिया 150 पे, आपका टारगेट था 140 पे जाने का, ठीक है? तो आपने 150 पे उसे सेल किया और ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चला गया, आपको 140 पे शेयर वापस बाय कर लिया आपने और आपको 10 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट हो गया। ये तो थी आपके अकॉर्डिंग ट्रेड की बात। अब आपके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं गया, आपने क्या किया, कोई भी शेयर 150 पे सेल किया, उसके बाद शेयर 150 से 160 चला गया। आप इस उम्मीद में हैं कि वापस ये 150 पे आएगा और मैं बाय करके अपने आप को स्क्वायर ऑफ कर लूँगा, लेकिन ऐसा उस दिन होता नहीं है और क्या होता है कि मार्केट क्लोज होने का टाइम आ जाता है, तो आपका जो ब्रोकर है वो आपको अपने आप ही वहां से स्क्वायर ऑफ कर देगा। उसके बाद मान लीजिए 315 नहीं हुए लेकिन फिर शेयर बहुत तेजी से फ्लक्चुएट किया और वो अपने अपर सर्किट पे जाके लग गया। अपर सर्किट क्या होता है उसकी वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन अपर सर्किट पे क्या होता है, बहुत ज्यादा बायर्स बढ़ जाते हैं और उसमें सेलर्स नहीं बचते हैं, तो बहुत ज्यादा बायर्स होने की वजह से आप उस शेयर को खरीद नहीं पाते हैं और आप स्टक हो जाते हैं। उसके बाद 315 हो जाता है लेकिन उसका अपर सर्किट नहीं खोलता है और मार्केट के क्लोजिंग का टाइम हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा? तो जी हाँ, इसके लिए भी एक रूल है, जब 330 पे मार्केट क्लोज हो जाएगा उसके बाद आपका ब्रोकर जो एडिशनल 30 मिनट होता है पोस्ट मार्केट सेशन, उसमें आपका ब्रोकर क्या करेगा, वो जाएगा ऑप्शन मार्केट में। मान लीजिए मैंने कोई शेयर 150 पे बाई किया था, उसके बाद 170 का उस पर अपर सर्किट लग गया, अब पोस्ट मार्केट है 3:30 से 4 के बीच में, तो मेरा ब्रोकर क्या करेगा, वो ऑक्शन मार्केट में जाएगा पोस्ट मार्केट में और वहाँ पे देखेगा किसी ने ऑक्शन के लिए शेयर डाला हुआ, अगर मान लीजिए उस शेयर को किसी ने डाला हुआ है और उसने 185 के प्राइस पे रख रखा है, तो मेरा ब्रोकर उससे खरीद के मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे सेटल कर देगा और मेरा जो शॉर्ट सेलिंग पोजिशन था उसको ख़त्म कर देगा। लेकिन उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को सेलर के प्राइस पर खरीद लिया है, अब देख लीजिए आप 150 से 185 के बीच का जो डिफरेंस हुआ वो आपका लॉस होगा। तो ऐसे में मेरी एक सजेशन है कि आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हमेशा शॉर्ट सेलिंग कीजिए। आप स्टॉप लॉस नहीं भी लगाना चाहते तब भी आप जो अपर सर्किट है उससे हल्का सा नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ताकि अगर शेयर बहुत तेजी से अपने अपर सर्किट की ओर भागता है तो अपने स्टॉप लॉस पे ट्रिगर हो जाए और आपकी पोजीशंस को खत्म कर दे।
कई कंट्रीज ने शॉर्ट सेलिंग को बैन भी किया हुआ है। अभी जब कोविड का टाइम चल रहा था तो तब चाइना ने भी शॉर्ट सेलिंग बैन कर दी थी कुछ टाइम के लिए, लेकिन आपको सेबी मौका देता है शॉर्ट सेलिंग करने का, बस कंडीशन अब आपको पता ही है कि आपको MIS में ऑर्डर लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट सेलिंग में बहुत सारा पैसा बनाया है, जैसे कि जब केतन पारेख स्कैम हुआ था तब K14 स्टॉक्स जो केतन पारेख ने कुछ ही दिन में बहुत हाई वैल्यू पे पहुंचा दिए थे, ऐसे टाइम पे राधाकृष्ण दमानी ने उनमें शॉर्ट सेलिंग करी थी ये मान के कि इनका जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा चढ़ गया है और ये ओवर प्राइस स्टॉक है, और उस टाइम उन्हें काफ़ी लॉस भी हुआ था राधाकृष्ण दमानी को। लेकिन बाद में केतन पारेख के स्टॉक्स में जो K14 स्टॉक्स के नाम से भी जाने जाते थे उनमें उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करी और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया। तो यही था शॉर्ट सेलिंग के बारे में। अगर आपके अभी भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमें यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।